हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपको पैची बियर्ड का प्रॉब्लम है, यानी कि कहीं पे बाल आते हैं कहीं पे बाल नहीं आते हैं, या फिर आपको दाढ़ी आती ही नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। कृपया इस वीडियो को पूरी देखें। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपकी बियर्ड यानी कि दाढ़ी विद इन मंथ ग्रो होना शुरू हो जाएगी और आपको फुल बियर्ड मिलेगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करने के लिए मैं इधर उधर की या फिर फालतू बातें नहीं करूँगा, डायरेक्ट अपने ट्रिक पे आऊँगा। तो चलिए जानते हैं कि वो ट्रिक क्या है। सबसे पहले तो आपको मार्केट से मिनोक्सिडिल ख़रीदना है। मिनोक्सिडिल 5% वाला आपको ख़रीदना है। आप अच्छी कंपनी का ही ख़रीदें, जैसे कि ट्यूगन हो गया या फिर मिनटॉफ हो गया। कृपया स्टार्टिंग में शेविंग ना करें, आपको सबसे पहले मिनोक्सिडिल 5% से शुरुआत करनी है। सबसे पहले अपना जो चेहरा रहता है, अपना फेस रहता है, उसको क्लीन करें, गर्म पानी से अच्छे से उसको वॉश करना है। बाद में मिनोक्सिडिल उस पर अप्लाई करना है। वो अगर आपको मिनोक्सिडिल कैसे यूज़ करना है इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो प्लीज़ यूट्यूब पे सर्च करें या फिर गूगल पे सर्च करें, वहाँ पे आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये आपको दिन में 2 बार लगाना है। 1 ml इसकी क्वांटिटी लेनी है और मिनिमम आपको 3 से 4 घंटा इसको अपने फेस पे रखना है। गाइस, 10 या 15 दिन के अंदर आपको आपके चेहरे पर छोटे छोटे बाल, यानी कि जो इनिशियल फेज रहती है बालों की, वो दिखाई देना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपको उसको शेव करना है। ध्यान रखिएगा, आपको शेविंग हार्ड नहीं करनी है, सॉफ्टली आपको शेविंग करनी है। शेविंग करने के बाद आपको मिनोक्सिडिल यूज़ करना है। मिनोक्सिडिल आपको कंटिन्यूसली यूज़ करना है, इसको डिसकंटिन्यू ना करें। 2 या 3 दिन के बाद आपको फिर से जो आपके बाल शेव किए हैं वो फिर से दिखाई देंगे, लेकिन उनका जो कलर है वो थोड़ा ब्लैकन हो जाएगा। ध्यान रखिए गाइस, आपको शेविंग करनी ही करनी है। अगर आप शेविंग नहीं करते हैं तो आपके जो सॉफ्ट बाल है वो सॉफ्ट ही रहेंगे, उसको ब्लैक होने में बहुत टाइम लगेगा और वो मोटे भी नहीं होंगे, तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। अब ये जो बाल फिर से आए हैं उनको आपको थोड़ा बड़ा होने के बाद फिर से शेविंग करनी है और ये साइकिल आपको कंटिन्यू रखनी है। और आप ये नोटिस करेंगे कि विथ इन 15 to 16 days आपके पूरे बाल आ गए हैं और पूरे बाल ब्लैक भी हो गए हैं और उनकी जो विड्थ है वो भी बढ़ गई है। इस तरह से आप आपकी बियर्ड फुल्ली उगा सकते हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम में। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।